का सबक जो है दो दो जुमले इकट्ठे पढ़ते हैं ताकि ज़रा लहजा आपके जहन में बैठ जाए कि पढ़ना कैसे है। मैं दोनों पढ़ूंगा तो वजह से सुनने, फिर दोनों अपने इकट्ठे पढ़ने, ठीक है। सबक की बात उसको फिर दोहराऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، इशारे को आगे कर लेके जाते हैं। इशारे को तो कम समझो भाई, इसी के जरिए तो आपने समझना है। बाकी अजान तो रोज़ाना वैसे होती है ना, इशारों के साथ तो कोई नहीं होती। इशारा किस फायदे के लिए करवाना है जी। दोनों जुमले सुने फिर बीच में बोल पड़ते हैं। तवज्जो, अशहदु अशहदु अन्न मुहम्मद أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله को समझ लेते हैं यार, देख भी रहे हो, चार आंखें भी हैं, ऐनक भी लगाई है फिर भी जी। आगे आज का जो सबक है तो इसमें मुमकिन गलतियाँ बताइए। हय्या अलैहि सलाम है जी, तो कहाँ से यहाँ से शुरू करेंगे। हा हय्या, ये कहते मुख्तसर है ना, तो इसमें ज़रा समझने में कहते हैं मुश्किल हो रही थी, इसी दफ़ा साथी पूछे। हय्या अलैहिस्सलाम, पढ़िए ये आसान है। अब जो नीचे ला रहे हैं वो थोड़े से एक दो स्टेप करने पड़ेंगे, फिर नीचे आवाज़ आएगी, वरना जल्द तो नीचे गिर जाएगी। हय्या अलस्सलाम, ये दो स्टेप झटके के लगाएंगे फिर सही जाएंगे। और हय्या अलस्सलाम दूसरा भी ऐसे हो जाएगा, फ़र्क नहीं होगा। समझ आ गई बात, यही काफ़ी है मेरे ख्याल में। इसके ऊपर मज़ीद मेहनत फरमाएं, यही काफ़ी है। फिर मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ समात फरमाने पीछे कि कैसे आवाज़ को नीचे और कैसे ऊपर करना है। हय्या अलस्सलाम, हय्या अलस्सलाम, ये एक झटके के साथ दूसरे झटके में आवाज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। सोना सीधी लेके जाएंगे फिर सही नहीं होगी, और कीजिएगा बारीकी पर। हय्या अलस्सलाम, ठीक है, ये झटका लग के फिर ऊपर जाएगी आवाज़, ये फिर खूबसूरती आएगी। अब समझ आ रही, साथ साथ ही ले जा आ रहे हैं। हय्या अलस्सलाम, हय्या अलस्सलाम जी, फिर पढ़ लें एक मरतबा जी, पढ़ लें एक मरतबा, शाबाश।